हेलो एवरीवन, आज मेरे गार्डन में मानसून में कितने फ्लावर्स खिले हुए हैं उनके बारे में मैं दिखा रही हूँ। ये खिले हुए फ्लावर्स मानसून में इतने सुंदर दिख रहे हैं और इतने मुस्कुरा रहे हैं सारे फ्लावर्स। पहले नंबर पे तो मुसंडा था, वो मुसंडा ये जो बहुत प्यारा कलर होता है इसका और इतना खूबसूरत सा। ये गोल्डन पैंडा है, बोगनवेलिया इसके पहले मैंने दिखाया है, ये गोल्डन पैंडा है, ये भी अब खिलने लगा है। अभी पिछले महीने खिला था ये तो खैर गर्मियों भर पूरा खिला रहा और बारिश में और सुंदर खिलने लगा है और इसकी कलियाँ भी निकल गई काफ़ी सारी और ये खिलने लगा है बारिश में, मानसून में बहुत सुंदर लग रहा है। और ये पोलियस की हमने कुछ कटिंग लगाई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये फैल गई है पूरी तरह से। एक ज़ोरा है, ये एक ज़ोरा खूब सुंदर खिल गया है पूरे बारिश में, बारिश के बाद तो इसकी और रंगत निखर गई है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये भी। और कितना प्यारा ये पूरा एक जोरा खिला हुआ है। ये एक जोरा दिख रहा है, ये भी कई गमलों में हमने एक जोरा लगा रखा है। कुछ पिंक एक जोरा भी लगाया था, वो अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, उसको हमने बैकयार्ड में रखा हुआ है। और ये सदाबहार, उसके बाद सदाबहार रखा है, सदाबहार तो सदाबहार ही है, वो तो हर जगह खिल गया है अपने आप ही। ये एक जोरा इतने सुंदर दिख रहे हैं, इनसे नज़र हटाने का मन नहीं कर रहा है, इतने खूबसूरत खिले हुए हैं। और ये सदाबहार, सदाबहार भी बहुत सुंदर खिले हुए हैं और ये बारिश होने के बाद तो और ज़्यादा फैल गए हैं। वैसे तो ये गर्मियों से ही खिल जाते हैं और बारिश के बाद तो इनके बीज जहाँ तहाँ गिर गए हैं, तो छोटे छोटे प्लांट्स भी निकल गए हैं इनके, सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिल गए हैं ये पूरे। ये देसी सदाबहार है, कुछ हाइब्रिड भी है हमारे पास, वो भी खिल गए हैं पूरे। ये हाइब्रिड सदाबहार है, विंग का हाइब्रिड, विंग का है ये, इसके भी बहुत प्यारे कलर हैं। एक वाइट कलर का भी हाइब्रिड था हमारे पास, ये हमने किसी को गिफ्ट कर दिया है, वो भी रखा हुआ था। और ये यूफोर्बिया मिली है, यूफोर्बिया मिली वैसे तो गर्मियों में तो इसका एकदम ब्राइट कलर थे, बहुत ही रेड कलर था, और अभी बारिश में थोड़ा सा इसका कलर फेड हो गया, या तो पानी से धुल गया वो कलर। और ये रोज़ेस, रोज़ भी हमने लगा रखे हैं और मानसून में काफ़ी रोज़ की कलियां भी निकल रही हैं और रोज़ खिल भी गए हैं। ये थोड़ा स्पेंट फ्लावर्स में हटा रही हैं जो सूखे हुए फूल हैं। और ये देखिए खिला हुआ येलो रोज़ बहुत प्यारा लग रहा है, बटन रोज़ भी कह सकते हैं इनको, खूब सारे रोज़ेस हैं ये। और ये मरून कलर का रोज़ है, रेड में भी नहीं है ये, पर मरून कलर का रोज़ है मेरे पास। और ये भी अच्छे खासे खिल रहे हैं काफ़ी। ये चंपा प्लूमेरिया जिसे कहा जाता है, ये इसमें कितना प्यारा कलर है, बहुत अलग कलर है ये भी, बहुत प्यारा। ये भी काफ़ी सारे खिले थे, अभी कुछ बारिश में झड़ गए। और ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर भी बहुत प्यारा खिला हुआ है, काफ़ी सारे खिले हुए हैं सनफ्लावर भी, बारिश में कुछ ज़्यादा खिल गए हैं इस समय, मानसून में तो और ज़्यादा खिल रहे हैं ये। इस समय काफ़ी ऐसी कोई धूप भी नहीं है, बादल ही हो रखे हैं, लेकिन कितने सुंदर खिले हुए हैं। सन के डायरेक्शन में तो खिले हुए हैं सारे सनफ्लावर, लेकिन धूप नहीं है इस समय, बादल है। और ये लोटस हमने लगाए थे, लोटस की कलियां बहुत खिली हुई हैं इस समय और खिलने ही वाले हैं लोटस भी, इनके फ्लावर्स भी, कई तो खिल के सूख भी गए हैं। और कुछ मैंने वीडियो बना लिए कुछ खिलने वाली कलियों की, और ये इतनी सारी कलियाँ भी निकली हैं लोटस में, और इनके प्लांट्स भी अच्छे काफ़ी बढ़ गए हैं इस समय, इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इस पर पानी की बूंदें इतनी सुंदर लग रही है, बारिश की जो बूंदें पड़ी हुई हैं इसकी कली के ऊपर, ये तो लग रहा है एकदम से खिलने ही वाली है कली।
ये पत्तियों पे भी मोती की तरह पानी गिरा हुआ है, पूरा बारिश का पानी है। और ये बारिश में बहुत सुंदर ये सारी कलियाँ ही दिख रही हैं, चारों तरफ कलियाँ ही कलियाँ हैं। जल्दी ही खिल जाएंगी, कल परसों तक खिल जाएंगी सारी कलियाँ। ये और ये नेक्स्ट डे ये कली पूरी खिल गई है, पूरी तरह से खिली हुई है। अभी भी पूरी तरह से खुलना बाकी है इसको, लेकिन ये नेक्स्ट डे मैंने इसका वीडियो बनाया था और ये कलियाँ सारी खिल गई थी। और ये रेंजई है, ये भी बहुत प्यारी भिनी भिनी खुशबू आती है रेंजई में, और इसके वाइट फ्लावर्स चारों तरफ फैल गए हैं इसमें, बहुत सुंदर खिले हुए हैं। ये गर्मियों से खिल रहे थे लेकिन बारिश में कुछ ज़्यादा ही खिले हैं, पूरी तरह से फैल गए हैं ये रेंजई के सारे प्लांट्स। और ये हमने यहाँ पे इसके ट्रेलिस लगाया हुआ है, ट्रेलिस पे इसकी पूरी बेल चढ़ गई है। काफ़ी सारे लोटस लगाए हैं हमने। और ये इस समय बारिश में देखिए ये डॉग फ्लावर भी खिलने लगे हैं, कुछ डॉग फ्लावर की कटिंग हमने लगा रखी थी, हमको ट्रिमिंग करके रखा था। और ये तो रजनीगंधा सदाबहार है हमारे यहाँ, गर्मियों में भी खिला रहा और बारिश में तो और ज़्यादा खिल रहे हैं। और ये जीनिया के प्लांट्स हैं, कुछ जीनिया के फूल भी, इनकी रंगत भी निखर गई है पूरी तरह से, गर्मियों में भी खिल रहे थे लेकिन उनकी रंगत ज़्यादा खिल गई है। और ये मॉर्निंग ग्लोरी है, ये सुबह के टाइम मैंने बनाया था। मॉर्निंग ग्लोरी भी काफ़ी, मॉर्निंग ग्लोरी का दूसरी वैरायटी है ये, तो ये इस कलर में है, ये भी बहुत प्यारा खिल रहा है। ये मॉर्निंग ग्लोरी की फिर ये दूसरी वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छा खिल रहे हैं। ये तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है मॉर्निंग ग्लोरी का, इतने खूबसूरत ही खिलते हैं और कलर इनके इतने प्यारे लगते हैं। ये ट्रेलिस के ऊपर चढ़ गए हैं, ट्रेलिस से भी ऊपर चढ़े जा रहे हैं, इनकी बेल ऊपर ज़्यादा जा रही है अभी। ये चंपा का फ्लावर है, ये बारिश में कुछ ज़्यादा खिल गए हैं, ऐसे गर्मियों भर भी खिले लेकिन बारिश में, मानसून में ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये कैक्टस का फ्लावर है, कैक्टस भी हमने लगाया हुआ है छोटा सा, लेकिन इसका ये फ्लावर गर्मियों से ही खिला हुआ है, ये निकला हुआ है इसका फ्लावर, इसका कलर और ज़्यादा निखर गया है इस समय। ये अपराजिता का बेल लगा रखी है हमने, अपराजिता की बेल भी काफ़ी फैल रही है पूरे, ये हमने ट्रेलिस लगाया है बैम्बू का यहाँ पे, उसके ऊपर पूरी फैल गई है ये और चढ़ गई है। और इस पर भी बहुत सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं अपराजिता के। और ये जट्रोफा है, जट्रोफा के भी फ्लावर्स आ रहे हैं, जट्रोफा के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी अभी। और ये पोर्टुलका या पोर्सलेन या 9 o'clock, रेन लिली के भी काफ़ी फ्लावर्स इस समय खिले हुए हैं। और गुड़हल या हिबिस्कस, हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसके भी फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं, चारों तरफ खिल गए हैं इसके भी, और कलर बहुत प्यारा है इसका। जीनिया के कलर इस समय ज़्यादा खिल गए हैं बारिश में, मानसून में तो इनके कलर और निखर गए हैं, जैसे लग रहा है पानी से धुल गए हैं ये फ्लावर्स। और ये आम लगे हैं, ये टिकोमा है, टिकोमा के भी फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा, मानसून में ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं, गर्मियों में भी आ रहे थे इसके फ्लावर्स, लेकिन इस समय ज़्यादा फूल खिल रहे हैं टिकोमा के। छोटा सा प्लांट है, हमने कटिंग से लगाया था लेकिन इसमें काफ़ी फ्लावर्स आने लगे हैं 4-5 महीनों में ही, ये छोटा सा प्लांट है। और ये गमफोरना भी लगा रखे हैं, गमफोरना के भी फ्लावर्स बहुत सुंदर, काफ़ी दिनों से इसमें आ गए थे गमफोरना के तो। और ये सदाबहार है, सदाबहार तो हमारे गार्डन में चारों तरफ खिला हुआ है, गमफोरना के भी फ्लावर्स बहुत प्यारे आ रहे हैं, इनके कलर बहुत प्यारा है इसका। गमफोरना में भी दो कलर के वैरायटी होती है, वाइट, और ये ब्लॉसम है,
और अभी यहाँ मैंगो लगा हुआ है, पक गया है मैंगो। मानसून बारिश का पानी पड़ते ही सारे मैंगोज पक गए हैं। और ये चंपा के फूल, चंपा ये सारी कटिंग से लगाए हुए थे हमने, प्लूमेरिया जिसे कहते हैं, ये हमने सब कटिंग से लगाए थे और ये इतने सुंदर फ्लावर्स आने लगे हैं एक साल में। ये हमने लास्ट ईयर हम इनकी कटिंग लगाई थी। और जरबेरा तो मेरे गार्डन की शान हो गई है, जरबेरा तो चारों तरफ खिले हुए हैं मेरे गार्डन में और बहुत प्यारे इसके फ्लावर्स हैं। और ये बारिश में तो कुछ ज़्यादा ही खिले हुए हैं। इनके कलर्स भी तरह तरह के कलर्स हैं, अलग अलग वैरायटी के कलर्स, अलग अलग वैरायटी के जरबेरा हैं। कुछ देसी हैं, कुछ हाइब्रिड भी हैं, लेकिन बहुत सुंदर इनके कलर हैं। ये जीनिया है और पोर्टोलका, इसी में ये फोर्बिया मिली भी लगा रखे हैं हमने, कुछ गमलों में लगे हुए हैं और कुछ ज़मीन पे भी हमने लगा रखे हैं। और ये पिंक रेन लिली है, ये तो बहुत खूबसूरत हो गए हैं और ये गर्मियों से ही खिल रहे हैं लेकिन बारिश में कुछ ज़्यादा फ्लावर्स हो गए हैं। और ये वाइट कलर का गुड़हल है और चंपा के फूल तो खिले हुए हैं चारों तरफ, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये भी। मानसून में इनका कुछ कलर ज़्यादा निखर गया है, बारिश में बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। ये हमने अपने गेट के एंट्रेंस पे लगा रखे हैं सारे फ्लावर्स, चंपा के सारे इनके पॉट्स लगाए हैं। और ये मैक्सिकन पिटोनिया जिसे कहा जाए, ये भी दिन भर खिले रहते हैं, रात में मुरझा जाते हैं, लेकिन ये भी खूब ज़्यादा खिल रहे हैं इस समय। बारिश के पानी पड़ते ही कुछ जल्दी और ज़्यादा खिलने लगे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये भी। इस तरह से बारिश में और मानसून में मेरा गार्डन एकदम पूरी तरह खिल गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।